कोविड-19 और ब्लैक फंगस के बाद अब देश में वाइट फंगस एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा खतरा बना हुआ है। लेकिन ये वाइट फंगस आखिर है क्या और ये कैसे इफ़ेक्ट करता है, तो आज इसी वाइट फंगस के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर ये वाइट फंगस है क्या, व्हाट इज़ वाइट फंगस। विशेषज्ञों की माने तो वाइट फंगस ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये सबसे पहले इंसान के ब्रेन और फिर लंग्स को अपनी चपेट में लेता है और फिर धीरे धीरे ब्रेन और लंग्स के थ्रू पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करने लगता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा घातक होता है मनुष्य के लिए। तो चलिए अब जानते हैं ये वाइट फंगस किनको जल्दी इफ़ेक्ट करता है और कैसे इफ़ेक्ट करता है। डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट का कहना है कि ये उन लोगों पर ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है जो लोग कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से संक्रमित थे और अब ठीक हो चुके हैं, और जिन्हें ज़्यादा समय तक ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था, और इसके अलावा जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, और ये कैंसर और HIV के मरीजों में भी देखने को मिला है। अब जानते हैं वाइट फंगस के सिम्टम्स के बारे में, यानी कि उसके लक्षणों के बारे में। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, वाइट फंगस के सिम्टम्स में सिर में तेज दर्द होना, नाक बंद होना, आँखों के लाल होना और उनमें सूजन आना आदि शामिल है। इसके अलावा अगर ब्रेन पर इसका असर होता है तो इंसान की सोचने समझने की शक्ति पर भी इसका असर दिखने लगता है। ये संक्रमण एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है, ये तभी होता है जब इंसान सीधे फंगस की चपेट में आता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस फंगस से बचना आसान है। जिन पेशेंट्स के लिए जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स और वेंटिलेटर्स यूज़ किए जा रहे हैं और स्पेशली जो ट्यूब्स यूज़ हो रहे हैं, वो पूरी तरह से जीवाणु मुक्त यानी कि बैक्टीरिया फ्री होने चाहिए। और इस फंगस से बचने का सिर्फ एकमात्र तरीका ये है कि जो पेशेंट्स ऑक्सीजन सपोर्ट्स पर हैं वो पूरी तरह से वायरस फ्री होने चाहिए, यानी कि विषाणु मुक्त होने चाहिए। तो आपको वाइट फंगस के बारे में ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।